नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन लेके। और ये रिक्रूटमेंट आई है शिक्षकों की और आई है समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से। टीजीटी शिक्षक की रिक्रूटमेंट है और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल और एसएसटी सभी की इसमें रिक्रूटमेंट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 27/5/2019। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है और जो इसके लिए सैलरी है वो है 45,756 रुपए पर मंथ आपको इसमें मिलने वाली है सैलरी। तो ठीक है, हम बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और बता देता हूं कितनी इसमें फीस लगनी है और कैसे कहां जाके आपको इन पदों के लिए अप्लाई करना है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हम विस्तार से इसके बारे में बात करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही होती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGTs, तो ये कोरिजेंडम जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन पहले ही इसके बारे में जारी कर दिया गया था। तो अभी एक तो इसमें लास्ट डेट बता दी गई है, क्योंकि ये कई महीनों से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल ही रहा था, आप अप्लाई कर सकते थे इसके लिए, तो अब इसकी लास्ट डेट बता दी गई है, पहले लास्ट डेट नहीं बताई गई थी। और इसके एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंज किया गया है, तो ठीक है जितने भी इसमें चेंजेस किए गए हैं वो भी बता देता हूँ, किस पोस्ट की इतनी वैकेंसी है, बिल्कुल हम डिटेल से शुरू से ही इसको देख लेते हैं। ये देखिए, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 196 पोस्ट ऑफ TGTs फॉर विच एडवर्टाइजमेंट वॉज पब्लिश्ड ऑन 22/2/2019। तो 22/2/2019 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया था और जो इसमें अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि थी वो पहले थी 22/3/2019, क्लोजिंग डेट थी इसकी, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था फर्दर ऑर्डर्स तक। तो अब ऑर्डर्स आ गई हैं, तो अब इसकी लास्ट डेट बता दी गई है जो कि अब है 27/5/2019। तो 27/5/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो बदल दी गई है, वो अब आप देख लीजिए। जो टोटल 150 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो 150 ही होंगे और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें से जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटिंग टू पोस्ट 75 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो अब देखिए इसकी मेन डेट्स और टाइम देख लीजिए। और ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अप्लाई आप कर सकते हैं 27/5/2019 शाम 5 बजे तक है। और एप्लीकेशन फीस आप जमा करा सकते हैं 29/5/2019 शाम 4 बजे तक है। और आपकी फीस कंफर्मेशन लिस्ट जारी कर दी जाएगा 31/5/2019 सुबह 10 बजे। और जो रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल है वो 31/5/2019 को आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका होना है इसका रिटर्न टेस्ट। अब देख लेते हैं इसकी बाकी की डिटेल्स। ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, TGT हिंदी की जो टोटल वैकेंसियां 13, TGT इंग्लिश 27, TGT पंजाबी 19, TGT साइंस मेडिकल 10, TGT साइंस नॉन मेडिकल 47, TGT मैथ 34, TGT सोशल साइंस 40। तो कुल इस हिसाब से ये 196 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई है। अब देख लेते हैं इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद रेलिवेंट सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन विद रेलेवेंट टीचिंग सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCET विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और इसी के साथ साथ उसी कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए और टेट CBSE के द्वारा जो टेट कराया जाता है CTET, तो आपका CTET का जो पेपर 2 है वो भी क्लियर होना आवश्यक है इसके लिए। तो अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये भी चल जाएगी आपकी जो यहाँ दे रखी है। ये है 4-year इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd और एन इक्विवेलेंट कोर्स विद रेलिवेंट सब्जेक्ट और एन इक्विवेलेंट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो 4 साल का BA BSc BEd का कोर्स कराया जाता है
कंबाइंड कोर्स होता है ग्रेजुएशन और बीएड का, अगर वो कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सीटेट का पेपर टू क्लियर होना तो आपका बिल्कुल ही आवश्यक है। तो यहाँ अब दे दिए गए हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ सब्जेक्ट भी बता दिए गए हैं किस पोस्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये देखिए यहाँ है नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ रेलिवेंट सब्जेक्ट है, यहाँ रेलिवेंट टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड का, और रेलिवेंट सब्जेक्ट एट इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड अगर आपने कर रखा है तो उनमें आपका कौन सा सब्जेक्ट हो किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बारी आती है टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल की। तो इसमें ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और बीएड में साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर 4 साल वाला आपने कोर्स कर रखा है तो उसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी साइंस मेडिकल में जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, साइंस बीएड में होनी चाहिए, और 4 साल वाला जो कोर्स है उसमें जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए इन सभी में आपके पास। टीजीटी सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन में जो ये नीचे सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, जो कि है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं तो आप पीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड में सोशल साइंस आपके पास होना आवश्यक है। और इसी तरह जो 4 साल वाला कोर्स है बीए बीएड तो उसमें भी सोशल साइंस होना आवश्यक है। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश इलेक्टिव ग्रेजुएशन में इंग्लिश के साथ बीएड और इंग्लिश के साथ 4 साल वाला बीएड का कोर्स। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, टीजीटी पंजाबी के लिए पंजाबी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और जो इसके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 21 साल से और 37 साल। अगर ये आपकी आयु है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2019 की तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो ये तो चेंज हो गया है, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में विस्तार से, मैंने आपको बता दिया था। पर इसमें ये देख लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है 40%, 40% मार्क्स तो लेने जरूरी है ही, अगर 40% से कम मार्क्स किसी के भी नहीं आते तो किसी का भी इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, दोबारा से ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स 1/4 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। फिर से सिलेक्शन प्रोसीजर दे दिया गया है, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं। After the conduct of written test, answer key will be uploaded on website. Written test के बाद answer key upload कर दी जाएंगी. Marks obtained by candidate in written test will be uploaded on the website. ठीक है. Merit list prepared on the basis of marks in written test will be uploaded on the website. And on the basis of said merit, candidate will be called for scrutiny of original document and checking of eligibility condition. तो आपके जो मार्क्स जारी किए जाएंगे रिटर्न के, उसके हिसाब से आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, और उसी के हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स हैं तो उनके सीटेट के मार्क्स के हिसाब से उनकी मेरिट रैंक प्रिपेयर की जाएगी। इन द फर्स्ट राउंड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए 10 पोस्ट हैं किसी कैटेगरी की तो 15 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें बुलाया जाएगा। अब दे रखा है प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये लिंक है, यहाँ आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाला लिंक है, इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा, और अप्लाई पे आप क्लिक करके इन पदों के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। तो ये देखिए यहाँ आपको अप्लाई करना है न्यू यूजर और रजिस्टर करके। अब देख लेते हैं इसके लिए एग्जामिनेशन फीस। जो एग्जामिनेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल अमाउंटिंग ₹800 फीस है, ₹400 इन केस ऑफ एससी, और अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ₹400 फीस है, बाकी है ₹800 फीस। विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ये अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, अब ये बढ़ा के मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये बढ़ा के कर दी गई है 27/5/2019 शाम 5 बजे तक। अब आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए Person with disability are exempted for payment of fees as per instructions issued by Government of India. तो PWDs candidate हैं, उनके लिए इसमें कोई भी application fees नहीं लगनी है। और अगर आपको कोई query है किसी भी प्रकार की तो आप ये यहाँ phone number दे रखे हैं, 9 से 5 बजे तक सभी कार्य दिवसों में आप call करके अपनी जो query है उसका समाधान कर सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, जितनी भी अवेलेबल हैं। तो अगर अभी तक आपने इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में ही आपको इनके लिए अप्लाई करना है, और अप्लाई करने का प्रोसेस है बड़ा ही ईजी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और रजिस्टर कीजिए और अप्लाई कर दीजिए इन पदों के लिए। तो ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।